नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं हम लोग की जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है उनका, फरवरी में फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी में आपका पेपर होने वाला है, हो जाएगा क्योंकि ये सेमेस्टर यही खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है बेटा, एग्जाम में ये जरूरी है कि आप पढ़े क्या, बहुत जरूरी ये बात है। और आप ऐसे कुछ ना पढ़े कि जो आपको आए ना एग्जाम में, हम वो बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में आ रहा है, मतलब कि हम आपको वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फालतू कुछ नहीं पढ़ाते, हमारा मतलब यही है, पेपर हैकर का मतलब यही है। तो पेपर हैकर हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। और एक दूसरा हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है बीए बाय पेपर हैकर, जिसपे हम वीडियो केवल बीए की ही वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, कोई और चैनल और मतलब और सब्जेक्ट ना, कि ना बीए ना बीकॉम, सही है, मतलब केवल बीए को छोड़कर किसी और की नहीं कराएंगे, उसके बाद बीए के ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस पर देते हैं और उनकी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं उनकी वीडियो को उस पर डालते हैं, फालतू तो कुछ नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखो यहां बात करने वाले हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का पेपर है। अब आपको ये तो पता है भाई हिस्ट्री का पेपर है और ये सिर्फ एमजेपी यानी रोहलखंड वालों के लिए है, एमजेपीआरयू बरेली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें और रट लें क्वेश्चनों को। इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। एग्जाम से दो दिन पहले, दो डेज पहले, एग्जाम से दो दिन पहले मैं केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, इन क्वेश्चन के अंदर से ही 10 क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रट के चले जाना। फिलहाल अभी आप जो बता रहा हूं उनको पढ़ लो, अभी उनको पढ़ लो, बाकी लास्ट में जब एग्जाम होने वाला होता एक दिन पहले या दो दिन पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, उनको रट लेना, बस कल्याण हो जाएगा। आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, और बताओ समझ रहे हो, फेल करने वाला कोई नहीं है। और कोई हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे बता देना एग्जाम के बाद, ठीक है, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम फेल नहीं होगे, मैं बस वादा कर सकता हूं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले हिस्ट्री का पेपर है, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आप जिससे तैयारी कर रहे हैं उस पर टिक लगा लो। यदि उस पर आपके पास बुक गोस नोट्स वगैरह नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे डाउनलोड कर लो, अपने फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी कैफे पे जाकर निकलवा सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एमजेपीआरयू रोहलखंड वालों के लिए, हाँ तो इसमें हम देखेंगे, देखो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पहला क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है इतिहास का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र संबंध सॉरी उसके महत्व उनके स्रोतों के बारे में, मतलब कि जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। और इसके ऊपर हमने पहले से भी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप वीडियो को जाके देख लो, ठीक है, बीए बाई पेपर हैकर पर मिल जाएगी। और हमने पेपर हैकर की प्लेलिस्ट को तो आप चेक करो फर्स्ट सेमेस्टर के, ये पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया है बहुत शॉर्ट में, आप उस क्वेश्चन को आपने नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, उसको तैयारी कर सकते हो या फिर उस वीडियो को देखकर भी याद कर सकते हो। इस सारे क्वेश्चनों के आंसर हम दे रहे हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोला इतिहास का अर्थ क्या होता है, उसके क्षेत्र के बारे में, महत्व के बारे में, स्रोत के बारे में, ये हमने पूरा क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट करा दिया, 7-8 मिनट की वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने बुक नोट जैसे पेपर पर टिक लगा लो जिससे आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में, देखो दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के उद्भव और उसके विकास के बारे में, यह पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था का जो विकास हुआ था वो कैसे हुआ था, ये हमें बताना है। तो यही हम इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देंगे, लेकिन आप अभी अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर टिक लगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, प्राचीन काल में व्यापार, प्राचीन काल में व्यापार कैसे चलता था उसका वर्णन करो, आपसे कहेगा प्राचीन काल था उसमें व्यापार कैसे लोग करते थे उसका वर्णन करो। दूसरा पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि संधि घाटी जो सॉरी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, उस विशेषता के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना, ऋण वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति क्या थी, मतलब कि जो ऋण वैदिक काल था उसमें जो आर्य थे उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक है, सामाजिक वो कैसे रहते करते थे, धार्मिक वो कैसे पूजा पूजा करते थे, उस स्थिति के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्थाएं, मतलब स्थिति क्या थी, पोजीशन क्या थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोग कैसे रहा करते थे, सामाजिक कैसे अपने व्यवहार करते थे, और उसके धार्मिक मतलब कि वो उसमें कैसे पूजा पाठ करते थे, धार्मिक चीजों से रिलेटेड थे, उसकी पोजीशन के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप तो ये सब बना बना के लिख दोगे, आप एक बार पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिख दोगे, कोई फालतू थोड़ी कुछ इसमें। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोल रहा है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्थाएं, हमने बता दिया ये, ये हो गया पहले इस क्वेश्चन। ये देखो देखो ये बोला गया मौर्य की उत्पत्ति, मौर्य समाज जो मौर्य साम्राज्य था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, वही बोला गया। तो मौर्य की उत्पत्ति, उनके कार्य जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन के बारे में बताना है, उसका जीवन व्यतीत कैसे हुआ, वो कब आया, कैसे किया, क्या करा उसने, वो चीज बतानी है। उसके बाद में आते हैं मौर्य साम्राज्य की पतन, पतन का मतलब क्या होता है, हारने का मतलब होता है, पतन का मतलब होता है हारना। पराजय कैसे हुई उसकी, साम्राज्य की मौर्य समाज की पतन का कारण क्या था, मतलब हारने का कारण क्या था, वो आपको देखना है। उसके बाद है मौर्य समाज का प्रशासन और उनकी विशेषताएं, प्रशासन कैसा था उस समय मौर्य समाज का और उसके प्रशासन और उसकी विशेषताएं क्या थी, वो आपको याद कर लेना है। पढ़ लोगे ना एक बार तो बना बना के लिख दोगे, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। यहां ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक के जो थम था, अशोक के थम पर टिप्पणी, ये पूछेगा अशोक के थम पर टिप्पणी लिखिए। और देखिए बौद्ध धर्म के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सॉरी प्रचार है, यहाँ प्रकार नहीं प्रचार है, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार जो किस प्रकार से हुआ था, प्रचार प्रसार, उसके बारे में देख लेना है। और अशोक के सीमाएं कौन कौन सी थी, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त। देखो एक गुप्त वंश होता है, और देखो इसी में दे रखा है हमने, गुप्त कौन थे, देखो गुप्त वंश आप जानते हो, गुप्त वंश का वर्णन करो, जब गुप्त वंश का वर्णन जहां पढ़ोगे ना आप, तो वहां गुप्त वंश आपको देखने को मिलेगा। गुप्त वंश का जब पढ़ोगे तो गुप्त कौन थे, प्रथम इसके शासक थे, वो आपको बताएगा। और यहाँ गुप्त के स्रोत पूछा गया है कि गुप्त के स्रोत कौन कौन से हैं, और उनके पतन के बारे में, गुप्त वंश का पतन मतलब कि हारने का कारण क्या था, तब ये मतलब दूसरा जो प्रशासन बना था उसके हारने का कारण क्या था, पूरा यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है, पतन के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समुद्रगुप्त है उसके जीवन के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये विक्रमादित्य भी बोलते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये विक्रमादित्य वाला, इसको यहाँ पे याद कर लेना, इसके जीवन व्रत के बारे में और समुद्रगुप्त के जीवन और उनकी सफलताओं के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो हेवनसांग दो थे, वो कौन थे, हेवनसांग कौन थे, इसके बारे में याद करना है, इनके वर्णन के भी देख लेना, हेवनसांग कौन थे। और हर्षवर्धन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, हर्षवर्धन को मोस्ट पे लगा देना, हर्षवर्धन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। और देखो यहां बोला गया हर्ष के देखो यहां कह रहा है हर्ष के प्रारंभिक जीवन का प्रकाश डालिए, मतलब कि उसमें प्रारंभ में उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, हर्षवर्धन का पहले प्रारंभ में जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ गया राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब जो राजपूत आए थे वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी सफलता, देखो यहाँ लिखा है असफलता पर कारण का था, मतलब जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति हुई लेकिन वो किसी न किसी कारण में असफल रहे, पता है, तो असफल होने के कारण क्या थे, वो कारणों के बारे में देखना है, ठीक है। देखो समांतवाद क्या होता है, समांतवाद क्या है, उनकी विशेषताएं, उनके पतन होने का कारण बताना, मतलब हारने का, समांतवाद को खत्म होने का कारण क्या था, ठीक है यार, खत्म होने का, समाप्त होने का, पतन होने का बाद वही होता है ना, तो उनके बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, उनका आपको वर्णन करना है, जितने तरह के होते हैं 7-8 तरीके के, वो लिख देना है। और देखो यहां कह रहा है महमूद गजनबी का आक्रमण के कारण क्या थे, उनके प्रभाव क्या हुआ, यदि देखो महमूद गजनबी पर गजनबी ने क्या किया बेटा, उन्होंने आक्रमण किया, तो कारण क्या था उसका आक्रमण करने का और हमारे क्या इफेक्ट पहुंचा, ठीक है, वो देख लेना है। और महमूद, देखो यहां है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीति दशा क्या थी, जब मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उसमें हमारे भारत की जो राजनीति पॉलिटिक्स थी वो क्या दशा में थी, क्या पोजीशन में थी, वो यहां बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार संबंध वर्णन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार के संबंध में आपको वर्णन करना है। जी थोड़े क्वेश्चन ज्यादा जरूर है मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले केवल 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, जो एग्जाम में आ रहा है, लेकिन आपको अभी तो ये पढ़ना है ना, पढ़ना तो है, ऐसा तो नहीं घर बैठोगे आराम से, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 15-17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, ये ज्यादा नहीं होते, आप इनको पढ़ोगे 17-18 दिन में खत्म कर दोगे, एक क्वेश्चन डेली याद करोगे तो समझ रहे हो, इन क्वेश्चनों के सारे आंसर भी दे देंगे, लेकिन एग्जाम से पहले तो केवल 10 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, वो पढ़ के चले जाना बस खत्म, वही आ रहे हैं पेपर में। ये देखो ये कह रहा है आश्रम व्यवस्था क्या होती है, आश्रम व्यवस्था को याद करेंगे, आश्रम व्यवस्था और सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो किस प्रकार से हुआ और इसका निर्माण कैसे हुआ था, पहले तो हम पहले पढ़ेंगे निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में विनाश कैसे हुआ, ये दोनों देख लेंगे अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं देखो कलिंग,
कलिंग युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे लगा लेना मोस्ट पे, कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, मैग्नेथीज क्या थे उनके, देखो मैग्नेथीज क्या थे, ठीक है मैग्नेथीज क्या थे और उनके, देखो यहां कह रहा है कुमार, कुमार गुप्त वंश के बाद निबंध, छोड़ो इसको हटाओ, गुजरात की चालुक्य विस्तार बना, इसको हटाओ, खत्म करो यार, ठीक है सॉरी ये देख लो गुजरात वाला, ये मैटर देख लो यार, गुजरात वाला इंपोर्टेंट हो सकता है, गुजरात के जो सॉरी ये मैं उसके उठी टाइम पढ़ा लूंगा, ठीक है लेकिन इसको पढ़ लेना एक बार, गुजरात के जो चालुक्यों का जो उत्थान था उसका वर्णन करो, उत्थानों का वर्णन, ठीक है गुजरात के चालुक्यों का उत्थान के बारे में, तो इसको पढ़ लेना एक बार, बस इतना क्वेश्चन है। उसके बाद में इकोनो जिसका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र जिसका है पेपर, ठीक है वो मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगा उसके बारे में, सेकंड वीडियो में बता दूंगा क्या आने वाला है, फिलहाल इतना ध्यान से पढ़ो, कोई इशू नहीं आ रहा है, एग्जाम 2022 में आपको यहां से मिलने वाला है, एमजेबीआरई रोहलखंड वालों जितने भी छात्र हैं आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, यहां के बाद कुछ और मत पढ़ना, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है कोई भी दिक्कत आ रही है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हमारा दे रखा है, फिर से यार हम आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है तो और उसके बाद में जो भी छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।